खबर राजधानी के चौमू से है, जहां गोविंदगढ़ थाना इलाके की तिगरिया मोड़ के पास सवारियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इसके बाद बस पास में खड़ी कार से टकरा गई और हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर गोविंदगढ़ और सामो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस को हटवाया गया। साथ ही सभी घायलों को चौमू के सरकारी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां होने के कारण ये हादसा पेश आया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।